कंस्ट्रक्टिव यूज ऑफ मोर की, एक तो इनोसेंस की बात की, क्या एक्सप्रेशन है, अब इसको ज्यादा स्वरों पर आप जोर देंगे, एक्सप्रेशन नष्ट हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। बहुत समय बाद मुलाकात हो रही है, लेकिन इस वादे के साथ कि अब थोड़ा रेगुलरली हम वीडियो बनाएंगे। आपका जो प्यार है वो थोड़ा कम होता जा रहा था, इसलिए हमने वीडियो भी कम कर दिए। तो कमेंट करना मत भूलना कि वी वांट मोर वीडियोस। हालांकि रफ़ी साहब की पुण्यतिथि है, 44th पुण्यतिथि पर आज मैं एक ये बड़ा ही खूबसूरत वीडियो लेके आया हूँ, हाउ टू कैप्चर द सोल ऑफ द सॉन्ग्स ऑफ रफ़ी साहब। रफ़ी साहब की गायकी को कैप्चर करना अपने आप में एक बहुत ही ख़तरनाक टैलेंट मैं कहूँगा, क्योंकि रफ़ी साहब की गायकी में एक इमोशंस एक्सप्रेशंस तो थे ही, लेकिन जो मुर्कियाँ वो लेते थे, जो शब्दों का एक भोलापन, शब्दों की एक जो लॉन्गिटिविटी थी, शब्दों को किस प्रकार ताल में लेते थे, वो कैसे पिरोते थे, वो अपने आप में एक मिसाल है और वो एक कम्प्लीट रियाज मटीरियल है। तो आज मैं आपके समक्ष उनकी पुण्यतिथि पर दो गाने बताऊंगा, दोनों ही अलग अलग रागों में हैं और दोनों ही 1970 के नगमे हैं। एक नगमा हमारे रवि जी का है, रविशंकर शर्मा जी का, और एक नगमा हमारे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का है। दोनों में डिस्कशन करेंगे, रफ़ी साहब की खूबियां हम आपको बताएंगे और किस प्रकार आप उन गीतों में से उस गीतों का निचोड़ निकाल सकते हैं। 6 बातें आज मैं आपके समक्ष रखूँगा। तो जो मैं पहला गीत ले रहा हूँ वो मूवी अमानत 1970, दूर रहकर ना करो बात, दादरा ताल में निबद्ध है और झंझोटी राग का प्रयोग इसमें रवि जी ने किया है बड़े ही बखूबी अंदाज में। तो ये जो गीत है आप देखिए, ओरिजिनल पिच इसका एफ शार्प है, लेकिन मैं आपको इसको एफ पर बता रहा हूँ, है ना। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपके समक्ष रखूँगा वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑर्नामेंट्स। रफ़ी साहब के गीतों की आत्मा को अगर आपको कैच करना है, आत्मा इन द सेंस उस गीत की निटी ग्रिटी, उस गीत की बारीकी, उसको मैं आत्मा कह देता हूँ, ठीक है। वो वाली आत्मा नहीं जो हम भूत प्रेत वाली आत्मा, वो मत आप समझ लेना, लेकिन आप समझ गए होंगे मैं संगीतमयी आत्मा की बात कर रहा हूँ। दूर रह कर ना करो बात, करीब आ जाओ। तो क्या अंदाज है इसमें, कर्ण स्वर और खटके की बात करूंगा मैं पहले, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्नामेंट्स के अंतर्गत। दूर अब गा पगा, दूर रह कर ना करो बात, तो दूर रह कर सुगा पगा करे सासा सुगा, ये खटका भी चल रहा है। तो अभी दो ऑर्नामेंट बता रहा हूँ, दूर रह कर ना करो बात, सो सा धा धा सा सा रे सा ना करो बात, करीब आ जाओ। एक ही लाइन में 3 ऑर्नामेंट्स, 3 आभूषण, आभूषण अर्थात संगीत में स्वरों की सजावट जिसको हम कहते हैं, मोरकी के थ्रू, कर्ण के थ्रू, गमक के थ्रू, है ना, या फिर खटके के थ्रू। तो इसमें 3 ऑर्नामेंट्स कौन से हैं जो हमको आइडेंटिफाई करने हैं। दूर का पग गर सा 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 ध द सा सा रे सा नि ध सा ध द सा सा रे सा नि ध प ध पग प सा नि नि सा, याद रह जाएगी ये रात करीब आ जाओ। तो इतने अगर मैं स्वर गाऊं सिर्फ, गा प ग ग रे सा 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 ध द सा सा रे सा नि ध प ध प ग प ध सा नि नि सा। अब दूसरा इसी में ही मैं एक पहलू और जोड़ता हूँ रफ़ी साहब की ग्रेटनेस का, जिसके थ्रू आप उनके गानों की बारीकी पकड़ सकते हैं, मतलब उसकी आत्मा पकड़ सकते हैं, है ना। सो जो लॉन्गिटिविटी की मैं बात कर रहा हूँ सेकंड पहलू के रूप में, दूरी कैसे दिखाइए,
दूर रह कर न करो बात, करीब आ जाओ तो याद। अब याद को भी कितना खूबसूरती से एक्सटेंड किया है, याद रह जाएगी ये रात, करीब आ जाओ। देख रहे हैं आप, तो इस पहलू को वापस ग प ग ग रे सा 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 ध सा सा रे सा नी ध प ध प ग प सा नी नी सा, दोनों पॉइंट जोड़ रहा हूँ, ग प ग ग रे सा सा सम रे सा नी ध प ध प ग प सा नी नी सा। तीसरी बात मैं करता हूँ इसी गीत के थ्रू, शब्द को किस प्रकार ताल के थ्रू ब्यूटीफाई करना है। 1 2 3 4 5 6 वन टू, दूर रह कर न करो बात, करीब आ जाओ। नाउ सी द वर्ड करीब, क्या एक सुंदर पोज दिया है और फिर कैसे सम पे लैंड हुए, सीखने वाली बात है। दूर रह कर न करो बात, करीब आ जाओ। समझ रहे, दूर रह कर न करो बात, करीब आ जाओ। तो तीन पहलू मैंने डिस्कस किए, एक तो ऑर्नामेंट्स को आइडेंटिफाई करना, दूसरा शब्द की लॉन्गिटिविटी वो ध्यान से सुनिए, तीसरा ताल के थ्रू कैसे ब्यूटीफाई करना है गानों। ये तीन चीज़ें मैंने आपको अभी तक बताई इस पहले गाने में। अब अंतरा भी गुनगुना देता हूँ क्योंकि उनके पुण्यतिथि हेतु ये वीडियो मैं आप सभी के समक्ष रख रहा हूँ। आपके कौन से फेवरेट सॉन्ग्स हैं रफ़ी साहब के, कमेंट जरूर कीजिएगा। रफ़ी साहब के 20 गानों पर मैंने कोर्स लॉन्च किया है, आपकी संगीतमय सेवा में ज़रूर चेक कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मेंबरशिप अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इन दोनों गानों की नोटेशन अपने मेंबर्स के लिए मैं उपलब्ध कराने वाला हूँ, मात्र 199 पर मंथ। देखिए इस प्रकार के मैं कंटेंट शेयर करते रहता हूँ, हर संडे को आपको एक नया प्रैक्टिस मटेरियल मिलता है, थ्योरी के रूप में, रियाज के मटेरियल के रूप में, गाने की नोटेशन के रूप में। तो मेंबरशिप कम्युनिटी ज्वाइन बटन क्लिक करके ज़रूर ज्वाइन कीजिए। अब देखिए, एक मोहतत से तमन्ना थी तुम्हें छूने की, सो देखो नी ध प म प प प प प ध नी 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 ध नी सा 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 नी ध प ध म प ध नी। अब छूना, इसको कैसे बताया रफी साहब ने, तुम्हें छूने के, छूने के, तो छूने के है ना। एक मोहतत से तमन्ना थी तुम्हें छूने की है ना। अब ठुमरी अंग भी चल रहा है, मामा मा पापा गरे गरे सा, जो लचीलापन है। एक मोहतत से तमन्ना थी तुम्हें छूने की, आज गा पग गरे सा 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 ध सा सा रे सा नी ध प ध प ग प सा नी नी सा। तो आज बस में नहीं जज्बात, करीब आ जाओ। देखो बड़ी अच्छी फीलिंग दी है, दूर रह कर न करो बात, करीब आ जाओ। गा पग गर सा सा याद रह जाएगी ये रात,
करीब आ जाओ। तो मींड ये मरे सानी झंझोटी के स्वर है, मरे सानी ये रात करीब आ जाओ। ये पहला गाना, मैंने चीज़ें बताई, तीन पहलू बताए जिसके थ्रू आप रफ़ी साहब के गानों की आत्मा किस प्रकार उन्होंने बारीकियों से गाया वो आप पकड़ सकते हैं। तीसरे गाने की तरफ अब मैं आपको लेके चलता हूँ। 1970 में ही एक बड़ी खूबसूरत रचना है, झिलमिल सितारों का आंगन होगा। अब ये राग मिश्र खमाज है और बड़ा ही एक इनोसेंस से परिपूर्ण गाना है। और इनोसेंस की जब भी बात करते हैं तो रफ़ी साहब के आलाप का जिक्र करते हैं, उसमें आप देखिए स्टार्टिंग में हो। तो जो मैं चौथा पहलू बता रहा हूँ, द इनोसेंस थ्रू आलाप। सानी धनी पधम पगा गमथा पा सो हो, झिलमिल से तारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। अब देखिए कंस्ट्रक्टिव यूज ऑफ मुर्की, एक तो इनोसेंस की बात की, क्या एक्सप्रेशन है। अब इसको ज्यादा स्वरों पर आप जोर देंगे एक्सप्रेशन नष्ट हो जाएंगे। बहुत बारीकी है ओ, अब यहाँ खड़े स्वर भी दिखाएं ओ, स्टैंडिंग नोट्स छठा पॉइंट लूंगा हालांकि मैं इसमें, लेकिन अभी फोर्थ पॉइंट क्या बता रहा हूँ, इनोसेंस। आवाज में एक इनोसेंस दिखाइए गाने को, मूड में, गाने की सोल को ध्यान में रखते हुए। सा नी धनी पध म प ग ग म ध प, अब ये ग म प ध म ग ग म प ध नी सा प ध म ग। कोमल नी ना भी दिखाओ तो भी खमाज दिखाइए, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने, समझ लो। अब झिलमिल से तारों का, बड़ी छोटी छोटी मुर्गियां छुपी हुई है इस गाने में अगर आप रियाज करेंगे तो। आंगन होगा रिमझिम बरसता ता सावन होगा। अब देखो कंस्ट्रक्टिव यूज ऑफ मुर्की हैविंग रिगार्ड टू द इमोशंस ऑफ द सॉन्ग। आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ है, आनंद बख्शी जी की भी आत्मा खुश हो जाती होगी जब रफ़ी साहब के ये स्वर उनके कान में पड़ते होंगे। और उनकी लिरिक्स आज इमॉर्टल है तो उसका एक कारण रफ़ी साहब की अमर आवाज़ है। आप देखो पा 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 धा पा मा पा धा धा सा नी रे सा नी नी सा सा नी नी धा धा पा मा पा धा धा सा नी रे पा पा पा। तो आंगन होगा, तो आंगन आंगन, ये छोटी सी मुर्गी है कि नहीं। तो झिलमिल से तारों का आंगन, तो प ध ध स नि ध स नि आंगन होगा, रिम झिम बरस ता ता द प म ता, ये छोटी सी मुर्गी आंगन होगा। अब देखो ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा सो धरे रे ससा सनी नी रे सनी ध पमा। अब खड़े स्वर ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा। खड़े स्वर की बात कर रहा हूँ, छठा पॉइंट जो मैं आपको कह रहा था, खड़े स्वर भी इतने प्रिसाइज हैं कि इमोशन बयां हो जाते हैं। ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा, निरे सनी ध प मा प ध म ग आ सा ग मा प ग मा प ध म ग। जो श्रृंगारिकता, जो इनोसेंस खमाज की ही है ना। सो अभी पूरा गाता हूँ।
झिलमिल से तारों का आंगन होगा, रिम झिम बरसता सावन होगा, है ना। तो ये 6 पॉइंट्स मैंने आज आपको बताए। अंतरे की तरफ भी मैं जरूर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा। अगस्त 2024 का जो फ्रेश कंटेंट है हमारी लाइव क्लासेस के अंतर्गत, वो रील के रूप में अपलोड कर दिया गया है। हालांकि मैं रील इस वीडियो के बाद भी शेयर कर दूंगा, वो रील पूरी देखिएगा, उसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। रफ़ी साहब की गाने चाहे आपको सीखने हो, चाहे आपको राग सोहिनी सीखनी हो, चाहे अहीर भैरव हो, चाहे रियाज मटेरियल आपको चाहिए हो स्वर ज्ञान और रियाज बैच के अंतर्गत, हर चीज़ आपको सीखने को मिलेगी। अगस्त 2024 से ज़रूर लाइव क्लास से जुड़ जाइएगा। बहरहाल, प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे, प्रेम की गली में अब यहाँ पे पाधा धरे रे 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 सा सारे कर सरे सनी सानी धा पाधा रे 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 सनी धा पानी धा पानी धा पा। अब प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे, कलियां ना में लेना सही काटो से सजाएंगे, है ना। पधा सानी धपधा धपा बगिया से सुंदर सो पा 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 धा मा सो पा धा मा गा मा पा धा मा गा। एक हमाज चल रही है। सो पा 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 धा मा पा धा धा सानी सानी रिम झिम बरसता सावन होगा। ओ, 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 सीधा इनोसेंस सानी धनी पदम बगा गवा था पार गवा नी था। कोमल नी लगा दोगे तो खमाज स्पष्टता से ही दिख जाएगा, लेकिन कोमल नी को छुपाते हुए भी खमाज की आत्मा कैसे जागृत रखी, द लिविंग लेजेंड प्यारे लाल जी एंड ऑफ कोर्स आर लक्ष्मीकांत जी के इतने सुंदर प्रयास है। तो मैं आपके समक्ष आज ये 2 गाने लेके आया। आई होप आपको पसंद आया। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि तबीयत पिछले 10-15 दिन से सही नहीं थी। रागास ऑफ श्री मदन मोहन जी 100वें जन्मदिन पर हमने मदन जी और रफ़ी साहब के कॉम्बिनेशन में 7 गाने गाए हैं, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, ज़रूर चेक कीजिएगा। और शायद आपसे वो मिस हो गया, इसलिए मैंने सोचा कि उसका भी मैं लिंक आपके समक्ष रख दूं। आने वाले वीडियोस आपको किस प्रकार के चाहिए, क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है, वो ज़रूर लिखिएगा। पहले तो ये लिखिएगा कि क्या आपको और वीडियोस चाहिए, तो मेरे को और मोटिवेशन मिलेगा। वरना ऑनलाइन क्लासेस में इतना व्यस्त रहता हूँ नया कंटेंट बनाने हेतु, एक नई चीज़ सिखाने हेतु हर क्लास में, कि समय बहुत कम मिल पाता है। कुछ शोज़ रहते हैं इस कारण से थोड़े वीडियोस कम बना पाता हूँ, लेकिन रील्स आपके लिए मैं बनाता रहता हूँ। तो रील्स को ज़रूर आप फॉलो कीजिए। संगीतमयी सेवा एक और चैनल है, उसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्द मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ। रफ़ी साहब को सैल्यूट करते हैं उनके 44th पुण्यतिथि पर। ओम शांति। अगस्त को म्यूजिकली ऑस्पिशियस बनाने के लिए लाइव ऑनलाइन क्लासेस, द कंटिन्यूअसली रनिंग लॉन्गेस्ट लाइव ऑनलाइन क्लासेस की इन्फॉर्मेशन आपके समक्ष लेके आया हूँ। 4th ऑफ अगस्त से क्लासिकल बॉलीवुड सॉन्ग बेसिक राग बैच एंड गीत गजल बैच आपके समक्ष आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव होती क्लासेस हर संडे को सुबह 7:30 बजे। गीत गजल बैच बेसिक राग में राग खमाज और क्लासिकल बॉलीवुड सॉन्ग में आप एक नया गीत सीखते हैं। 4th हमारा बैच कॉमन राग का, जो कि 2019 से चल रहा है। राग सोहिनी चल रही है ट्वाइस अ वीक एवरी मंडे एंड फ्राइडे। ABCD बैच, रियाज बैच, बैच ऑफ लेजेंड्स आप ज्वाइन कर सकते हैं।
जी हाँ, ABCD में राग दरबारी रियाज बैच के अंतर्गत आप ज्वाइन कर सकते हैं विभास और लेजेंड्स के आप गीत सीख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको अहीर भैरव में इंटरेस्ट है तो उसमें आप अभ्यास कीजिए। स्वर ज्ञान बैच के अंतर्गत एक सेशन लेता हूँ महीने का, लेकिन आपके पूरे महीने का स्वर ज्ञान बढ़ाने हेतु। 10th नंबर का हमारा बैच है रेट्रो एंड बॉलीवुड सॉन्ग। सुबह 6:30 बजे क्लास होती है एवरी सेकंड एंड फोर्थ फ्राइडे। नोटेशन के साथ कराओके ट्रैक पर पूरी आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी लाइव क्लास के बाद। सो आई विल सी यू इन दिस लाइव ऑनलाइन क्लासेस। व्हाट्सएप नाउ टू मेक योर ऑगस्ट ऑस्पिशियस।